मैंने सोचा था बाल वीरो खत्म करके 20 साल पुराना बदला अपना पूरा कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाल वीर मुझ पर भारी पड़ गया। चलो कोई नहीं, मैं उन दो बच्चों को कैद कर लाया था, उन्हें बाहर निकालता हूँ। अबे नजमी, ये शैतान तो अपनों को और कहीं ले आया। हाँ यार शैतान, हमने तुझसे मना करी थी, तू तब भी हमें यहाँ ले आया। पहले तुम दोनों ये बताओ, बालवीर कौन है? बालवीर जानने के लिए नहीं, हम जैसे बच्चों को बचाने के लिए जाना जाता है। वो इस पृथ्वी का रखवाला है, तुम जैसे शैतान को तो वो चुटकियों में खत्म कर देता है। इसलिए उसे कहते हैं बालवीर। हम इधर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसे इधर ही बुला लेते हैं। बालवीर को तुम लोगों को इधर लाने से पहले मेरी बालवीर की लड़ाई हुई थी, और बालवीर ने मेरे शक्ति का अंदाजा भी लगा लिया था, और इसलिए मैं तुम लोगों को इस जगह पर ले आया जहाँ बालवीर नहीं आ सकता। अरे इधर तो बालवीर भी नहीं आ सकता, अब अपने क्या करें? ऐसे शैतान कोई रास्ता हो तो बता, चाहे हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ एक रास्ता है जिससे तुम छूट सकते हो। वो क्या रास्ता है? वो रास्ता है ये, तुझे बालवीर को इसके अंदर कैद कर लाना होगा, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा। जब तक के लिए तेरा साथी मेरे पास रहेगा, जब तू बालवीर को लेकर आएगा तब मैं तुम दोनों को पृथ्वी आकर छोड़ दूंगा। अगर तूने कोई चालाकी की तो तेरा साथी भी गया और तू भी गया। ले पकड़, जहाँ पर बालवीर है वहाँ पर मैं तुझे छोड़ देता हूँ। जब तक तेरा दोस्त बालवीर को लेकर नहीं आता है, जब तक तू मेरी कैद में रहेगा। जब तक मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। हाँ तुम्हारे दूसरा नाम पूछा, भूल गया। मेरा नाम है मुत्तुस्वामी, 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 मुत्तुस्वामी बेलु गोपाल, मुत्तुस्वामी, मुत्तुस्वामी बेलु गोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी, मुत्तुस्वामी। चुप चुप, साले का नाम है या कोई रामायण है? अच्छा हुआ मैंने इसे कैद कर लिया, वरना ये तो मुझे पूरे दिन पका देता। जब इसका दोस्त बालवीर को लेकर आएगा तभी इसे छोड़ूंगा। वो शैतान ने तो कहा था बालवीर के पास भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं बालवीर। लगता है बालवीर आसपास ही होगा, मैं उसे ढूंढता हूँ। अरे भाई साहब, आप कितने टाइम से हो इधर? भाई मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ। भाई आपने बालवीर को देखा यहीं आसपास? जी मैंने इसी वाली साइड पे बालवीर को देखा था। ठीक है भाई साहब, इसको बालवीर से क्या काम पड़ेगा, इसका पीछा करके देखता हूँ। आखिर वो शैतान दो बच्चों को कहां पर ले गया? अरे वो रहा बालवीर, बालवीर के सर में ये मैं मारूंगा, बालवीर अपने आप इसमें कैद हो जाएगा। आखिरकार मैंने बालवीर को कैद कर लिया, अब मैं शैतान के पास जाता हूँ और अपने दोस्त नजमी को छुड़ाता हूँ। अब आएगा मजा। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बालवीर को कैद करने की? तुझे पता है बालवीर बच्चों की मदद करता है। बालवीर को कैद करने की वजह बता, आखिर क्यों कराया तूने बालवीर को कैद? अरे वो मुझे दे दो प्लीज, न वरना मेरा दोस्त मारा जाएगा। एक शैतान ने मेरे दोस्त को कैद कर लिया है और मुझसे बोला अगर तू बालवीर को कैद कर लेगा तभी मैं तेरे दोस्त को छोड़ूंगा। इसी चक्कर में मुझे ये सब करना पड़ा है। इसके पीछे का एक रास्ता है, हम बालवीर को आजाद करके उसे छोड़ के और उससे मदद मांगते हैं, वो तेरे दोस्त को भी छोड़ देगा और उस शैतान का अंत भी कर देगा। लेकिन उनने मुझसे एक बात कही थी, अगर मैंने उसके साथ कोई भी चालाकी खेली फिर मेरा दोस्त गया और साथ में मैं भी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम बालवीर को आजाद करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, बालवीर हमारी जरूर मदद करेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मुझे इसके अंदर कैद क्यों किया था? बालवीर मुझे थोड़ी मजबूरी पड़ गई थी इसलिए मैंने तुम्हें कैद किया था, तुम्हें तो पता ही था मेरे दोस्त को और मुझे एक शैतान ने कैद कर लिया था। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझसे कहा कि तू बालवीर को कैद करके ला तभी तेरे दोस्त को छोड़ूंगा, अगर मैं वरना नहीं गया उसके पास तो वो मेरे दोस्त को मार देगा। ला ये मुझे दिखा, अब इसके पीछे का एक ही रास्ता है, अब अपने को चलकर उस शैतान को मारना होगा और उस शैतान को इसके अंदर कैद करना होगा, तभी तेरे दोस्त को छोड़ा सकते हैं। चलो अपने चलते हैं उस शैतान के पास। चलो